एक बादशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल हमको प्यार की एक निशानी दी है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका हुसैन दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सफर में मैं आपको लेकर आया हूं 7 अजूबों में से एक अजूबा जो कि स्थित है आगरा में। कहा जाता है कि यह एक प्यार की निशानी जिसे बनाया था खुर्रम यानी कि शाहजहां ने मुमताज के लिए। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं ताजमहल। तो साथियों एक बार फिर से हमने अपना सफ़र शुरू किया है। 250 किलोमीटर का ये सफ़र हम तय करेंगे तकरीबन 3 घंटे में और उसके बाद हम पहुंचेंगे ताजमहल। तो चलिए बढ़ते हैं ताजमहल और पहुंचकर हम आपको दिखाते हैं ताजमहल के हसीन नज़ारे। तो दोस्तों अभी हमें पार्किंग एरिया में, आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी यहीं पार्क करनी है और पार्किंग एरिया से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर टूरिस्ट गाइड की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप अंदर जाएं तो टूरिस्ट लेकर भी जा सकते हैं अंदर और इसी पार्किंग एरिया से आप यहां पर स्कैन कर अपना टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है और अपनी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आप यहां का ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। तो यहां पर आप अपनी गाड़ियां आराम से पार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, 4 आवर के लिए आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे 100 रुपये। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आए हैं तो पार्क करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस पार्किंग एरिया से ही आप यहां से ले सकते हैं बैटरी गाड़ियां जो कि आपको छोड़ती हैं अंदर ताजमहल के पास। इसके अलावा आप यहां से पैदल भी विजिट कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप कैसे भी अंदर जा सकते हैं अगर आप आते हैं ताजमहल। तो अगर आप जाते हैं बैटरी रिक्शा से तो पर पर्सन 20 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तकरीबन इतना ही पैसा आपको इन तांगे के लिए भी देना पड़ेगा। चैट गया कि हम घूमते घामते पैदल ही जाएंगे, तो हम पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं आगे। तो इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे अंदर ताजमहल, वहां पर जाकर हम पहले अपनी टिकट लेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। बहुत ही अच्छा रखरखाव है इस रोड का, बहुत ही साफ सुंदर टाइलों वाली रोड जब आप आते हैं। तो जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको आसपास काफी सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पर बैठ कर आराम से खाना पीना कर सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं या फिर आप वापस आने के बाद भी खा सकते हैं। होटल ताज रिजॉर्ट जैसे कि मेरे राइट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट स्वीट्स वगैरह मसालेदार खाना भी मिल सकता है। पूरे रास्ते में चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ों के नीचे छाया से होते हुए भी आप आराम से आ सकते हैं, आपको जाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। तो दोस्तों तकरीबन 1 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, जो बैटरी रिक्शे वाली गाड़ियाँ आती है वो आपको यहाँ पर उतार देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस चेक पोस्ट भी बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पर सामने अपने गाड़ी से उतर कर आपको थोड़ा वॉक थ्रू कर आगे जाना होगा। आगे जो सामने गेट दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो दोस्तों सामने से हम आए तकरीबन 1 किलोमीटर का वॉक करके हम पहुँच गए यहाँ पर। इस मार्केट के पास से गुजरते हुए जब हम जाते हैं आगे तो आप देखिए हम पहुँच जाते हैं ये वाले ईस्टर्न गेट पर। गेट के ठीक सामने दाई साइड में यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑफलाइन टिकट काउंटर, यहाँ से आप अपनी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, उसके बाद आगे जा सकते हैं। ऑफलाइन काउंटर पर पर्सन 50 रुपये आपको टिकट के अदा करने पड़ेंगे, ये सिर्फ अंदर एंट्री के लिए है। अगर आपको मकबरे तक जाना है तो उसके लिए आपको अलग से 200 रुपये एक टिकट है जो आपको अंदर से मिलेगा। तो कुछ इस तरह का आपको अंदर जाने के लिए टोकन मिलता है। तो इस गेट के बगल से होते हुए जब हम आएंगे इस रास्ते पर सामने, यहाँ पर हमारा है ताजमहल की एंट्री का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ताजमहल के पूर्वी द्वार पर, तो यहां से हम एंट्री करेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे। टिकट काउंटर के बाद चेकिंग कराकर जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें दिखाई देते हैं शानदार परकोटे, आप दोनों तरफ देख सकते हैं मेरे। कहा जाता है कि एक ज़माने में यहां पर कभी मार्केट लगा करता था आजकल, परंतु ये यूज़ किया जाता है प्रशासनिक लोगों के लिए जो भी यहाँ का रखरखाव करते हैं। यहाँ ऑफिस वगैरह बनाए गए हैं ताजमहल के दोनों तरफ। तो जैसे ही परकोटों को पार कर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे इस लॉन में, जहां पर आपको दिखाई देगा ये खूबसूरत दरवाज़ा जिसे कहा जाता है दरवाज़ा ए रोज़ा, जो इसका मेन एंट्री गेट है। इसी से होते हुए ही हम आगे जाएंगे।
दरवाजा रोज़ा इस्लामिक कलाकृति का एक शानदार नमूना है जो कि ईरानी और राजपूती सभ्यता को लेकर एक बनाया गया है। आप ऊपर छतरियाँ देख सकते हैं। शाहजहाँ जब एंट्री करते थे तो यहाँ से नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाता था। इसके अलावा लाल बलवे पत्थर पर सफेद संगमरमर का आप ये खूबसूरत काम भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है जो कि ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश करता है। आप इसको दोनों तरफ से देखेंगे तो दोनों तरफ से ये गेट बिल्कुल एक ही समान दिखाई देता है। ये इसका बाहर का हिस्सा है। अभी मैं अंदर जाऊँगा तो अंदर की तरफ से भी आपको इसको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत नक्काशी की गई है कुरान की आयतों की सफ़ेद संगमरमर पर। पूरे ताजमहल में आपको ये आयतें दिखाई देंगी और इसके गुंबद के अंदर ये खूबसूरत डिज़ाइन भी हमें मोहित कर देते हैं। गौर करने लायक है कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सब बहुत ही अच्छे सिमेट्रिकल व्यू देते हैं। दोस्तों गेट के अंदर से ज्योमेट्री और सिमेट्री दोनों का बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। हमें यहाँ से एक पूरा प्रॉपर व्यू मिलता है मीनार सहित ताजमहल का, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट। एंट्री गेट पर जैसे ही प्रवेश करते हैं हम सामने, और हमें ठीक इसके सामने दिखाई देता है ये खूबसूरत सा फुआरा, और फुआरे के किनारे आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और इन पेड़ों के पीछे से कांपता हुआ सफेद संगमरमर ताजमहल। साथियों ताजमहल सन 1983 से वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ है यूनेस्को का। कहा जाता है कि स्विस कॉरपोरेशन 2001 में गठित किया गया, जिसने 7 साल तक वोटिंग कराई, और 2007 में ताजमहल को शुमार किया गया वर्ल्ड ऑफ वंडर्स में। 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल हमारा, जो कि स्थित है आगरा में। इसको बनाने में लगे तकरीबन 22 साल। 1631 में इसका काम शुरू हुआ जो कि ख़त्म हुआ 1653 में जाकर। उसी काल के बने ये फवारे आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि इनको आज तक चेंज नहीं किया गया। थोड़ी सी मरम्मत और साफ सफाई के बाद ये काम करते हैं ठीक उसी तरह जैसे कि ये पहले किया करते थे। ताजमहल तो इसका नाम काफ़ी बाद में जाकर पड़ा। पहले तो शाहजहाँ के काल में इसको रोज़ा कहा जाता था, जो कि एक सिंपल मकबरा हुआ करता था उस टाइम का। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अगर आप ताजमहल आते हैं तो मेरे पीछे वो जो पीछे गेट दिखाई दे रहे हैं वो इसका एंट्री गेट है। तो आप आते हैं इस एंट्री गेट से। एंट्री गेट से होते हुए जब आप आएंगे तो साथ में लॉन से होते हुए, तो जैसे ही आप इस एंट्री गेट से आते हैं तो इस लॉन के पास से होते हुए आप आएंगे यहाँ पर। ये जो एक फवारा बना है, ये फवारे की पूरी लाइन जो होती हुई जाती है सीधे जाती है अंदर ताजमहल तक। तो आप जाएंगे सामने, सामने तक आपको पवेलियन तक जाने दिया जाएगा। अगर आप ऊपर इसके जाना चाहते हैं तो बगल में वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद से के पास से आप वहाँ से एक टोकन लेंगे, 200 रुपये का आपको टोकन मिलेगा ऑफलाइन, और उसके बाद आप जाते हैं ऊपर और आप दर्शन करते हैं यहाँ के मकबरे के, उसके ऊपर घूमते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं राउंड होते हुए वापस, और जब आप आएंगे तो ये वाला जो एरिया है वो कहलाता है नहमान खाना, और इसके लेफ्ट साइड में इस तरफ ये है मस्जिद। तो बीच में मेन स्ट्रक्चर ताजमहल का, और उसके आगे आप देखेंगे मस्जिद और इमाम खाना, और यहाँ पर आप मजा लेंगे इन फाउंटेन्स वगैरह का, चारबाग शैली में बनाए हुए गार्डन्स का, और आप अच्छी सीनरी से फोटो खिंचाते हुए आप आएंगे वापस इसी पवेलियन में। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर आए हैं और फोटोग्राफी का मजा ले रहे हैं। जैसे ही आप गेट से करते हैं एंट्री तो आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह भी लगाई गई है, जहाँ पर आपको मिलती है यहाँ के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी। और इसके ठीक सामने ये है चारबाग की शैली में बना हुआ गार्डन, जिनसे गुजरते हुए आप जाते हैं और पहुँचते हैं ताजमहल। तो दोस्तों आपके सामने ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को पहले कहा जाता था नौबत खाना, जो कि अब कन्वर्ट हो गया है ताज संग्रहालय में, जो कि खुला रहता है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। फ्राइडे को ये भी रहता है बंद। तो एक बार हम थोड़ा अंदर जाकर भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या रखा गया है। तो दोस्तों हमने विजिट किया म्यूजियम। म्यूजियम में हमने देखा पुराने ज़माने की तलवारें, बर्छी, भाले, वहाँ हमने पटचित्र भी देखे जहाँ पर कपड़े पर की गई है चित्रकारी। इसके अलावा कागज़ पर भी कुछ चित्रकारी की गई है, वो भी हमें देखने को मिले। हमें देखने को मिले जो कि कैलीग्राफी यहाँ पर पेंट की गई है, उसके कुछ नमूने, कुछ पत्थर कहाँ से मंगाए गए हैं, तो ताजमहल किस तरह से बना, क्या क्या सामग्री उसमें यूज़ हुई, कहाँ पर से सामान आया, सारी कुछ जानकारी अंदर म्यूजियम में दी गई है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मनाती, तो मैंने कुछ जो देखा मैंने आपको बताया। आप भी अंदर जाइए और एक बार खुद मजा लीजिए इस म्यूज़ियम का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आगरा एयरपोर्ट, जो कि यहाँ का नियरेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो कि शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उसके अलावा IGI एयरपोर्ट यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली, वहाँ से आप वाया रोड तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पर पहुँच जाएंगे 4 घंटे में ताज एक्सप्रेस वे से होते हुए।
यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग है सुबह, गूगल पर जैसा दिखा है कि सूरज उगने से आधा घंटे पहले यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है और शाम को ये 6 बजे तक उपलब्ध होता है। 6 बजे के बाद यहाँ पर टिकट देना बंद कर दिया जाता है। अगर यहाँ आप आते हैं तो पर पर्सन, आप अगर इंडियन है तो आपके लिए टिकट रहेगी 50 रुपए की। 50 रुपए यहाँ की एंट्री टिकट है जो कि सिर्फ अंदर तक आने दिया जाता है। अगर आपको जाना है मकबरे तक तो मकबरे के लिए आपको जो टिकट मिलेगी वो अंदर से मिलेगी ताजमहल के अंदर एंट्री करने के बाद। मैं आपको लेकर जाऊंगा थोड़ी देर में और आपको दिखाऊंगा वो टिकट एरिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास है 50 रुपए का टिकट तो आप सिर्फ इसी पवेलियन तक आ पाएंगे और घूम पाएंगे। और आप देखिए मेरे पीछे है ताजमहल। और इसके अलावा अगर आप ऊपर मकबरे पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर ऊपर मकबरे तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके ठीक सामने ही मिल जाएगा टिकट काउंटर। जैसे कि यहाँ पर दिखा है मुख्य मकबरे का टिकट है 200 रुपए का। 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए ये एकदम फ्री टिकट है और 200 रुपए आपको पर पर्सन देने होंगे अगर आप यहाँ से और ऊपर जाना चाहते हैं। इसके अलावा आप QR कोड से भी यहाँ की बुकिंग कर सकते हैं। आपको अपना ID वगैरह यहाँ पर देना होगा और आप उसके बाद QR कोड से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं ऊपर मकबरे तक तो इस तरह के शू कवर आपको पहनने होंगे ताकि स्वच्छता बरकरार रहे ताजमहल की। इसके लिए ये प्रावधान यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ऊपर मकबरे की तरफ। इस चबूतरे की दीवार से होते हुए हम आगे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएंगे। ये जो चबूतरा है इसकी टोटल लंबाई है 95 मीटर, लगभग 300 स्क्वायर फीट, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसको चारों तरफ संगमरमर की दीवारों से कवर किया गया है। तो दोस्तों, नीचे सीढ़ियों से एंट्री करते हैं और उसके बाद ये रेलिंग लगी हुई है, इसके बगल से होते हुए आप जाएंगे अंदर और अंदर जाकर आप देखेंगे मुमताज महल, अकबर का मकबरा। तो पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको पास से दिखाऊंगा इसकी खूबसूरती। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुमताज महल को पहले बुरहानपुर महाराष्ट्र के पास कहीं दफनाया गया था। बाद में शाहजहाँ ने जब उनकी याद में ये ताजमहल बनाया तो उनको वहां से निकालकर यहां लाया गया और यहां पर स्थापित किया गया। इसके अलावा आप ये कुरान की आयतें देख सकते हैं जो इनकी दीवारों पर अंकित की गई हैं। इनकी खासियत है कि नीचे से लेकर जब ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो इनको कुछ इस प्रकार से गया गया है कि पढ़ने वाला नीचे से लेकर ऊपर तक इसको एक ही आकार का देखता है, ये एक समान ही दिखाई देती है। और ये पिलर आप देख सकते हैं, इनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक आवाज़ देता है कि इसके काफ़ी सारे कोने हैं जबकि ये गोलाकार आकृति है। तो साथियों, अब जिस हिस्से में है ये इसकी मीनारें हैं। इन मीनारों की खासियत है कि ये बनाई गई है मेन मकबरे से कुछ इस तरह कि ये हमेशा बाहर की तरफ टिल्ट रहती है ताकि कभी कुछ भूकंप से कभी ये गिरे भी तो सिर्फ बाहर की तरफ ही गिरे, अंदर की तरफ नहीं। 154 फीट ये मीनारें डिवाइडेड है 3 इक्वल भागों में, जो उसके ऊपर सबसे ऊपर रहा करती है एक छतरी। तो दोस्तों, यमुना किनारे बनाइए संगमरमर का सफ़ेद ताजमहल। शाहजहाँ चाहता था कि एक ऐसा ही ताजमहल ठीक पर काले रंग का उसकी याद में भी बनाया जाए। उसके लिए उसने काम शुरू भी करा दिया था परंतु उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया और उसके बाद वो उसका काम पूरा नहीं करा पाया। तो दोस्तों, मौसम एकदम से बदल जाता है, जैसे ही धूप आती है वैसे ही जो ये नीचे संगमरमर है हीट करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और जैसे ही छाया आती है एक बार फिर दोबारा मौसम ठंडा हो जाता है। थोड़ी देर मैं यहाँ घूमूंगा और यहाँ से यहाँ के स्पॉट बनाऊंगा और उसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने जिक्र किया अपने पुराने वीडियोस में भी, मुगलकालीन शैली में जो कि निर्माण हुआ करता था, चारबाग शैली में हुआ करता था, जिसमें जो मेन आर्किटेक्चर होता था वो बीच में हुआ करता था, उसके चारों तरफ चार बाग बनाए जाते थे। पर जो आगरा का ताजमहल है उसकी शैली थोड़ी सी भिन्न है। इसमें चार बाग तो है पर वो बीच में सेंटर बना होकर बिल्कुल लास्ट में जाकर आता है। आप यहाँ देखिए, तो सामने जो है इसका एंट्री गेट है, उससे जब हम आगे आते हैं तो ये ठीक फवारा जो है ये लाइन आगे बढ़ती है और इसके बाद ये जो एरिया है ये है इसका चार बाग का एरिया। इसके चारों तरफ ये जो चार बाग बने हैं, चार बागों के अंदर भी चार बाग और है, तो ऐसे करके टोटल 16 यहाँ पर भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इन 16 गार्डन को पार करते हुए फवारे के बगल से होते हुए जब आप सामने से आते हैं और उसके बाद आप सामने से एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आप जाते हैं अंदर मेन मकबरे में इस तरफ। तो दोस्तों, ये जो बहता हुआ पानी आपको दिखाई दे रहा है ये दोतक है उन नदियों का जिनका जिक्र होता है कुरानों में। और आसपास ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये पेड़ हैं मौत का प्रतीक और इन मौत के प्रतीक पेड़ों पर लगने वाले जो फल और या फूल हुआ करते थे वो जिंदगी का संदेश देते थे, तो कुछ इस प्रकार का संदेश देता है ये ताजमहल। चलिए दोस्तों, नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे ताजमहल।
तो साथियों जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो सामने जो डस्टबिन है वहां पर आप उतारेंगे अपने शू कवर और बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों मेरे बैक साइड है ताजमहल, और ताजमहल से थोड़े ही साइड में अगर हम आते हैं तो ये पीछे जो मेरे बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है मेहमान घर। मेहमान घर इस नज़रिए में कहा जाता है कि जब मुमताज महल की एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी वगैरह हुआ करती थी तो जो लोग वहां पर आते थे तो उनको ठहराने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता था इन सब का। तो ये है बाहर से मेहमान घर का नज़ारा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप पहले सामने देख सकते हैं ऊपर गुंबद है, गुंबद के नीचे छतरी बनी हुई है, छतरी के नीचे एक पवेलियन है और पवेलियन के नीचे फिर ये मेहमान घर के ये दरवाजे वगैरह हैं। और ये इसका एक बड़ा दरवाजा है, दूसरा एंट्रेंस, और इसी एंट्रेंस के ठीक सामने आप ये देखिए ये एंट्रेंस है, और इसके ठीक सामने ये रहा ताजमहल बिल्कुल इसके बीच में। और इसके दूसरी साइड वो जो साइड आपको दिखाई दे रही है उस साइड में, वो साइड है यहाँ की मस्जिद जहाँ पर शुक्रवार की नमाज अदा की जाती है। तो साथियों आप जैसा कि देख सकते हैं इस चबूतरे के ऊपर बना हुआ है ताजमहल। तकरीबन 22 वर्षों का समय लगा था ताजमहल को बनाने के लिए, 22,000 से भी ज़्यादा मजदूरों की मेहनत का फल है ये ताजमहल। लगभग 42 एकड़ में फैला ये ताजमहल, इसकी मेन इमारत जो कि तैयार हो गई थी लगभग 17 वर्षों में, पर आसपास का जो सजावट का काम और बाहर की मीनारों का जो काम था उसको करने में 5 वर्ष और लगे, और इस तरह से 22 सालों में ये काम पूरा हुआ। तो साथियों जो गुंबद आपको दिखाई दे रहा है उल्टे कमल के डिज़ाइन के ऊपर ये कलश रखे गए हैं। एक ज़माने में इस पर सोने का पानी चढ़ा होता था पर अंग्रेज़ों के काल में उसको निकाल लिया गया। तो अब हम चल रहे हैं दूसरे हिस्से में, दूसरा हिस्सा जो कि यहाँ की मस्जिद है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम ताजमहल के दूसरी साइड में आ गए, और मेरे पीछे ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये है यहाँ की मस्जिद। तो जब इसका निर्माण हुआ था तो इसको 3 पार्ट में हुआ था। मेन जो बीचे का स्ट्रक्चर है उससे वो है ताजमहल, उसके राइट साइड में जो है मेहमान खाना है, लेफ्ट साइड में ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये है यहाँ की मस्जिद। तो एक बार हम इसको मस्जिद के पास भी चलते हैं और मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसी मस्जिद के बगल में ही टिकट काउंटर भी बना हुआ है जहाँ से आप टिकट लेते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहले हम चलते हैं मस्जिद के पास, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो मस्जिद के ठीक सामने ये जो आपको फवारे दिखाई दे रहे हैं इसको यूज़ किया जाता है वजू हौज के रूप में। वजू आप जानते हैं हाथ धोने की प्रक्रिया नमाज अदा करने से पहले, तो ये वजू हौज है। उसके ठीक साथ में आप इस पवेलियन से होते हुए जब आप सामने देखेंगे तो ये है यहाँ का मस्जिद एरिया। शुक्रवार के दिन यहाँ पर अदा की जाती है नमाज। और इसके अलावा इसी मस्जिद के बाहर ही वो टिकट काउंटर बनाया गया है जहाँ पर आप ऊपर मकबरे का टिकट लेते हैं और जाते हैं अंदर की तरफ। तो आप यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी नक्काशी पाएंगे पत्तों की, फूल पत्तों की। और यहाँ पर देखिए सफ़ेद संगमरमर, नीले संगमरमर के भी पत्थर बलो पत्थर के साथ मिक्स किए गए हैं। तो ये खूब एक बहुत ही अच्छी नक्काशी है यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।